फंड की स्थिति क्या है उस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। और अजीत सिंह राठिया हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के। अजीत जी जरा ये बताएं कि उत्तराखंड में जो इस वक्त स्थिति है, जहां जो मौजूदा मुख्यमंत्री वो चुनाव हार गए लेकिन उन्हें अपनी सीट देने के लिए कई ऐसे विधायक हैं जो बहुत तैयार हैं, कह रहे हैं हम अपनी सीट छोड़ देंगे और यहां से धामी जी को चुनाव लड़ा दीजिए, तो क्या स्थिति है, क्या वहां चुनौती ज्यादा है और अभी कौन कौन से चेहरे हैं जो रेस में हैं? देखिए, ये जो पर्यवेक्षक जो नियुक्त करने की एक प्रक्रिया राजनीतिक दलों में होती है चुनाव के बाद, तो ये पर्यवेक्षक, ये ऑब्जर्वर इसीलिए लगाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं और इसीलिए भेजे जाते हैं कि ताकि वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन कर लिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि, और यूपी के जब मतदाताओं का प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। तो वहाँ बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, वहाँ मंत्रिमंडल को लेकर कुछ जटिलताएं हो सकती है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का मामला सबसे संवेदनशील और सबसे सेंसिटिव है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की ताजपोशी किस पॉलिटिशियन की होगी, कौन राजनेता यहाँ सत्ता की बागडोर संभालने जा रहा है, किसके कंधों पर 2024 के भी लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी होगी, तो ये जो तमाम जो बिंदु हैं इनके अध्ययन को लेकर के जो पर्यवेक्षक 19 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे, तो वो इन्हीं सब बातों पर अध्ययन करेंगे कि आखिर कौन वो चेहरा है, किसको लाया जाए, चूंकि सिटिंग मुख्यमंत्री हार चुके हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो अपनी सीट हार गए हो, लेकिन उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार जीत दर्ज की है, तो बहुत एक बड़ा पक्ष एक पार्टी के भीतर ये भी उनका कहना है कि इन्हीं को रिपीट कर दिया जाए और किसी विधायक की सीट खाली कराकर उनको 6 महीने के भीतर संवैधानिक बाध्यताओं के चलते इनको विधायक बनाकर सदन भेज दिया जाए। लेकिन पार्टी के भीतर एक ये मंथन चल रहा है कि क्या इस नई परंपरा को शुरू किया जाए, तो अगर ये एक छोटा सा एक ये बैरियर पार्टी के भीतर लग रहा है, अगर ये बैरियर टूट जाता है और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन्हीं को बनाना है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए बिल्कुल, तो उत्तराखंड के लिए एक खास चुनौती। बिल्कुल अजीत जी, जैसा आपने कहा यही चुनौती है, लेकिन पर्यवेक्षक इसी काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।